Hello everyone, so today I will give you a review about the HPAS preliminary examination. ठीक है, जो दो पार्ट में होता है. फर्स्ट पार्ट में GS का पेपर होता है और सेकेंड पार्ट में आपको पता ही है कि CSAT का पेपर होता है, जिसमें रीजनिंग, क्वांट, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का पोर्शन आता है. सो मैं खुद अभी एग्ज़ाम देकर आई हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये है कि मैं इसकी तैयारी नहीं कर रही हूँ. मैंने एग्ज़ाम फेल किया था बिकॉज मैं देखना चाहती थी. एक्चुअली मैं किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रही हूँ, तो जो मेरा वाला पोर्शन था जस्ट मैं उसको चेक करना चाहती थी कि इट इज़ अप टू द मार्क और नॉट. बट हाँ, जैसे मैंने HPG के बहुत डीप में नहीं पढ़ा है या अबाउट GS इंडिया उतना डीप में नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ. हाँ, उसमें करंट अफेयर्स है, उसमें पॉलिटी है और उसमें मेरे को रीजनिंग एंड क्वांट है, तो इस करके मैंने एग्ज़ाम दिया. जैसे थंब एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हैं, इससे हमारे को वहाँ पे मतलब लगाना था ना थंब एक्सप्रेशन भी अपने सिग्नेचर में. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं ये बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम देखकर जैसा IAS का लेवल होता है आजकल, जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि लाइक आपको बताएंगे एक स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट सही है, तीन स्टेटमेंट, मुझे लगा था कि उस टाइप का एग्ज़ाम होगा और लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. तो मुझे ये जो एग्ज़ाम का लेवल लगा मुझे वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट लगा. और जिसने अच्छे से स्टडी की होगी, अच्छे से स्टडी इन द सेंस कि जिसको आइडिया था ना, वो भी क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली वे में एलिमिनेशन वाले मेथड से कर सकता था. क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन तो मैंने देखे कि एलिमिनेशन वाले मेथड से डायरेक्ट निकल रहे थे. जैसे एक क्वेश्चन आजकल जो भी करंट अफेयर पढ़ता है उसको मालूम ही होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना इम्पॉर्टेंट है. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन था और वो जस्ट हम अगर ऑप्शन आपको बाकी तीन नहीं भी आते हैं, आप ऑप्शन एलिमिनेशन वाले मेथड से कर सकते थे. एज आई बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड, तो आल्सो कि साइंस का जितना भी पोर्शन था वो पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा इजी था. तो GS का पेपर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. एंड जितने मैंने बाकी क्वेश्चन भी देखे, तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जैसे हाँ, मैंने कल्चर आर्ट इससे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा, ना तो हिमाचल में ना ही ऑल ओवर इंडिया, कि कौन सा आर्ट कल्चर मेला त्यौहार फेस्टिवल, ना ही हिमाचल का, मैंने वो वाला क्वेश्चन नहीं देखा. लेकिन जैसे हिस्ट्री थे, है ना, हिस्ट्री और अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि कौन सी प्रोटोकॉल कब आया है, कौन सी पॉलिसी कब आई है, उनको क्रॉनिकल ऑर्डर में रखना है, ठीक है, रिवर्स को रिवर बेसिन के एरिया पे, ठीक है, और कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है. जैसे ये पूछा हुआ था कि झेलम रिवर कहाँ से निकलती है, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस टेस्ट की मैं तैयारी कर रही थी उसमें भी मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन सुने हुए थे. हालांकि दीज आर नॉट अप टू द, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन हाँ मैंने सुने हुए थे क्वेश्चन और वो ऑप्शन एलिमिनेशन वाले मेथड से हो रहे थे. बट डोंट वरी, मेरा मैं नहीं उम्मीद करती हूँ क्योंकि मैंने उतनी स्टडी नहीं की थी कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा. बट जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ देखो जैसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे देखो, एक था कि वाहन मित्रा स्कीम, इंदिरा रसोई योजना, ये जो रिसेंटली अगर जो भी कोई करंट अफेयर पढ़ रहा है तो वो इसको अच्छे से कर सकता था, एलिमिनेशन वाले मेथड से भी हो जाता अगर आपको दो भी आते थे. दूसरा ये है कि कॉफ़ी बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, टी बोर्ड, रबर बोर्ड, आई थिंक ये हर एग्ज़ाम में मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये हम लोग कर सकते थे. और दो भी अगर आते हैं तो भी आप एलिमिनेशन वाले मेथड से कर सकते थे. तीसरा जैसे जो क्वेश्चन था, मेरी सीरीज डी थी, तीसरे क्वेश्चन के लिए आपको डायनेस्टी के साथ मैच करना था कि विजयनगर के जो किंग्स थे कौन सी डायनेस्टी को करते थे. इसके लिए आपकी GS स्ट्रांग होनी चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी कौन से किंग से रिलेटेड है, जो मेरा अच्छा नहीं था. उसके बाद जैसे कि एंग्लो इंडियन वॉर था, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, तो इसके लिए आपको अच्छा ऑर्डर याद होना चाहिए, यानी कि आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए. इस पर भी मैं अपने आप को मार्क्स नहीं दूंगी. उसके बाद था जैसे बैटल ऑफ बिलग्राम, ये मैंने सुना हुआ था. बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, ये मैंने सुना हुआ था. तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये फिर हम ऑप्शन एलिमिनेशन, मतलब ऑप्शन इस तरीके थे कि एक ऑप्शन से ना, एक ऑप्शन को टिक करके बाकियों को एलिमिनेट करके निकल जा रहे थे. सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी. मुझे नहीं पता अगर नेक्स्ट ईयर मैं इसकी तैयारी करके दूंगी सो अगले साल कैसे एग्जाम आएगा. बट इस साल मॉडरेट था. उसके बाद नीति पास, रोहतांग पास, ठीक है, लिखा पानी पास, ये सारे भी मेरे को लगता है कि ईजिली किए जा सकता था, ये वाला जो क्वेश्चन है. उसके बाद भी जैसे दोआब रीजन से पूछा गया है, ये भी कॉमन अगर अंडरस्टैंडिंग है तो उसके बेसिस पे. उसके बाद जैसे देखो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, सती को प्रिवेंशन करना है एक्ट,
डोरी प्रोवेशन एक्ट, तो मेरे को लगता है कि ये भी जो है फेमस एंड सुने हुए होते हैं, तो ये हम कर सकते हैं इजीली। उसके बाद आपका देखो, जैसे कि मैंने बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो ये सी का वन मैच करना था, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी इस क्वेश्चन को देख के, मेरा दिल खुश हो गया। ठीक है, उसके बाद एक थ्योरी थी, जैसे थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म, थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूलिज्म, ये तो अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद बुक्स थी, तो बुक्स भी मैंने दो सुनी हुई थी, तो उसके बेसिस पे एलिमिनेशन वाले मेथड से हम कर सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, ठीक है, उसके बाद थी इंडिया एज अमर्जिंग जायंट, द मेकिंग ऑफ इंडिया, तो इस टाइप की जो बुक्स है वो सुनी सुनी सी थी। उसके बाद देखो नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्वेश्चन था, सिर्फ एक आता था मेरे को, लेकिन वंस अगेन एलिमिनेशन वाली मेथड से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाना था। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली द एग्ज़ाम वाज मॉडरेट। अभी रुकिए, आपको मैं दूसरे एग्ज़ाम का भी बताती हूँ कि रीजनिंग वाले में कैसा था, मतलब कैसा है ओवरऑल, और हमें किस तरीके की प्रेपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद देखिए साइंस बैकग्राउंड से, जैसे इसमें आया था कि आयरन, आयोडीन, कैल्शियम और इनकी डेफिशिएंसी या मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण आपको कौन से सिम्टम्स हो जाएंगे, तो ये मेरे को लगता है कि साइंस बैकग्राउंड वाले इजीली कर सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, और पढ़ी होती है सभी ने विटामिन और उनके कौन कौन सी डिजीज़ होगी, तो ये ईजी एंड अच्छा क्वेश्चन था, इसको हर कोई कर सकता था। और अगेन क्वांटिटी, जैसे वेट को न्यूटन के साथ आप टेम्परेचर को कैल्विन में मेज़र करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, तो ये भी हम इजीली कर सकते थे क्वेश्चन। उसके बाद हाँ डिफेंस एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए डिफेंस एक्सरसाइजेस भी पढ़ी थी, तो ये भी जैसे सूर्य किरण इंडिया और नेपाल की होती है, तो इसके बेसिस पे, और सिम्बैक्स मेरे को मालूम था इंडिया सिंगापुर, तो दो को मिला के ऑप्शन एलिमिनेशन से जी हमने कर दिया है क्वेश्चन। उसके बाद भी जैसे ग्रेनाइट सिटी, ठीक है, ग्रेनाइट सिटी मेरे को आता था, मैच करना था वाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी, लैंड ऑफ स्नो, इन सभी को मैच करना था, तो वंस अगेन आई विल से कि अगर आपको दो भी आते हैं तो भी ऑप्शन इस तरीके से इन्होंने रखे हुए थे कि मतलब इजीली वो क्या एलिमिनेशन मेथड से हो जा रहे थे। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हाँ एक था फॉरेस्ट एरिया किसका कितना है, तो मेरे को लगता है कि जो एचएस की तैयारी कर रहे हैं वो फॉरेस्ट एरियाज को अच्छे से ध्यान होता है, याद होता है, तो ये क्वेश्चन वो बच्चे करके आए होंगे पक्का, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो टॉप और टॉप काफ़ी अच्छा पेपर दे के आए होंगे मेरे अकॉर्डिंगली। उसके बाद कुछ एक योजनाएँ थी हिमाचल से रिलेटेड, तो वो सारी मैंने इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे किया, मुझे इतना याद नहीं था बिकॉज हिमाचल जीके में मैं अभी इतना स्ट्रांग नहीं है मेरा, तो ये है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, और ये भी आप इजीली कर लेते अगर आपका वही ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जैसे रूपी बाबा सेचू तोतू तौनाला, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, किब्बर, ठीक है, नारगू, ये सारी। उसके बाद शिंकुला टनल के बारे में बताना था। उसके बाद आईटी एक्ट 2023 किसको रिप्लेस करेगा, तो वंस अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो मुझे लगता है करंट अफेयर पढ़ो ना, और एक बहुत अच्छी चीज़ जिनसे मैं करंट अफेयर पढ़ती हूँ उन्होंने मुझे बताई थी कि जहाँ से हम कि जो करंट अफेयर होता है ना स्टैटिक जीके का पोर्शन भी ना वहीं से बनता है, यानी कि जो सिटी जो प्लेस रिसेंटली फेमस होगा ना तो आपका जो स्टैटिक का क्वेश्चन है वो भी उसी जगह से रिलेटेड ही बनता है, और ये मानती हूँ मैं इस बात को। ठीक है, उसके बाद जीवक चिंतामणि वाज रिटन बाय, तो किस राइटर ने लिखी थी। उसके बाद बंगर अलुवियल सॉयल, जेलम रिवर कहाँ से निकलती है, अच्छा EWS जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसका अमेंडमेंट कब हुआ था, तो अगर आपकी पॉलिटी अच्छी है वंस अगेन, जैसे मैं भी अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो हाँ उसमें मैंने पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एंड कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं वो पढ़े थे, सो आई वॉज हैप्पी विद दिस। उसके बाद मदर लैंग्वेज में कब स्पीकर के कहने पे पार्लियामेंट में कोई भी मतलब मेंबर अपनी मदर लैंग्वेज में कह सकता है कौन से आर्टिकल के तहत, तो आई थिंक पॉलिटी वाले तो रॉक कर गए होंगे। मेरे को लगता है कि हर एक पेपर में ना जैसे ऐसा होता ही है कि कुछ एक क्वेश्चन जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है उसके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। अब जैसे मेरा तो पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन हाँ जैसे साइंस के क्वेश्चन देख रही थी एज ए बिलोंग टू केमिस्ट्री बैकग्राउंड, तो केमिस्ट्री का कितना अच्छा क्वेश्चन था कि
एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कि सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, तो आई थिंक केमिस्ट्री वाले इजीली बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर किसका कम है, किसका ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से था कुछ ये एग्ज़ाम। और हाँ देखिए, बायोलॉजिकल फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है ना, ग्रेटेस्ट वर्ल्ड वाइड यूज़ ऑफ वाटर, वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है, इरीगेशन में, इंडस्ट्री में, ह्यूमन कंजप्शन में। तो ये भी देखिए इको का, इकोलॉजी का क्वेश्चन है और रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। तो उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट में इस साल की क्या थीम थी, वंस अगेन आई विल मेंशन यू कि करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ें और करंट अफेयर और जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसे रिलेटेड थीम ज़रूर पढ़ के जाएं, एक ना एक थीम एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका इज़ नाउन एज, जैसे ये लिखा है द स्टेपीज, द वेल्स, द पंपास, द डाउन्स, इसमें से कौन सा होना था, ठीक है। अभी मैं आपको आंसर इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं जो करके आई हूँ, मतलब जैसे मैंने कहा है कि मैं अपना जितना पढ़ाई की थी उसके बेसिस पे करके आई हूँ और मेरे को श्योर नहीं है कि मेरा कितना सही होगा, सो मैं वो नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट, पर हाँ मॉडरेट सबके लिए ईजी नहीं होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो इट वॉज़ रियली टफ, जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना वो पोर्शन डिफिकल्ट था, जब स्टेटमेंट थी कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और ये पहले भी किसी एग्जाम में आया हुआ है तो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर भी गाइस देख लेने चाहिए, वो बहुत हेल्प करते हैं आपको, कि हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो ये किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एंड ये ऐसे HS वगैरह में नहीं, बट आई थिंक पुलिस ने आप, तहसीलदार, पटवारी या किसी उसने आया होगा, किसी और एग्जाम में आया होगा क्लैरिकल में, बट आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे मुझे, जिसमें मेरे को नॉलेज थोड़ी कम थी या एक आती थी स्टेटमेंट, दूसरी के बारे में मैं श्योर नहीं थी, तो हाँ वो पोर्शन सभी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले, आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है होंगे ये 15 के अराउंड, 10 to 15, आई थिंक मोर देन 15 भी हो सकते हैं, बट 15 के अराउंड तो ये है ही, और काफ़ी सारे क्वेश्चन थे इसके बेसिस पे। उसके बाद वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे वंदे भारत मिशन, कावेरी मिशन, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, निपुण भारत मिशन। तो अगर आपका करंट अफेयर अच्छा है तो फिर सब कुछ ही अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है गाइज। फॉर फर्दर आप लोग करंट अफेयर ना अपना अप टू डेट रखिए, करंट अफेयर आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, इन योर एवरी एग्ज़ाम ऑल ओवर द इंडिया, आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना तो आपको करंट अफेयर जो है पक्का हेल्प करेगा, ठीक है। ब्रिटिश वायसराय, वंस अगेन हिस्ट्री अगर अच्छी है तो यू कैन डू इट। उसके बाद नॉर्थ टू साउथ में हमको कोल फील्ड को अरेंज करना था, अगेन GS ये थोड़ा डीप जा रहा था, जैसे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी डीप पोर्शन जा रहा था। मतलब मैं यही बोलूँगी कि 50% ईजी था, ईजीली कर सकते थे पेपर, एंड 50% जो था थोड़ा डिफिकल्ट था, उसके लिए थोड़ी आपको डीप नॉलेज थी जो मुझे नहीं थी। तो ये वाला क्वेश्चन चलिए, उसके बाद तो ये सारे मतलब वही आ गई कि कौन सी योजनाएं हैं, मतलब मैं वही बोलूँगी कि कंसीडर एक्ट एंड पॉलिसी, तो इसके लिए जो है अच्छा, एक तो ये था कि एक्ट एंड पॉलिसी को अपने बताना, जैसे तो वाटर का है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, एयर का कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट। देखिए हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, मैंने कुछ टाइम पहले एक एग्ज़ाम दिया था CPCB साइंटिस्ट बी का, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, सेंटर का नहीं, वो हरियाणा का था, लेकिन मतलब हाँ उस ड्यूरेशन सेंटर का भी पोल्यूशन बोर्ड का पेपर हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने ये पढ़े थे कि वाटर का कब एक्ट आया था, एयर प्रिवेंशन एक्ट कब आया था, और इनको ईयर के बेसिस पर ही अरेंज करना था। और आपको मालूम ही होगा जैसे IAS में भी जो ये है इन्वायरमेंटल वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पॉलिसी कब आई है ना, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, है ना, और भी हैं जो, ठीक है, जैसे रियो समिट हो गया, तो जितने भी ये हैं, एयर पोल्यूशन का कब आया है, वाटर पोल्यूशन का कब है, सबसे ओल्ड जो है वो वाटर का होता है बाय द वे। उसके बाद चलिए ये सारे हो गए, उसके बाद प्रोटीन बतानी थी, कॉ, मिल्क, मीट, एग, फिश किस में ज़्यादा है, तो ये भी इजीली कर सकते थे साइंस स्टूडेंट। उसके बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया डेजर्ट को करना था, जैसे गोबी थार, कलाहारी, ठीक है, इस तरीके से थे कुछ एक क्वेश्चंस आपके। एंड
हाँ, उसके बाद मतलब वही है जैसे उसमें आ रहा था कि कौन कौन सी गिवन स्टेटमेंट सही है। एंड एंड में एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक क्या हुआ, जब जैसे ही फर्स्ट का पेपर ख़त्म होने लगा ना, फर्स्ट बेल बजी, मतलब वो 5 मिनट जब रहते हैं ना तो उससे पहले एक बेल बजती है। तो जैसे ही वो बेल बजी, मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिया कि 1 एंड 4 है। जैसे ही बेल बजी एकदम से मेरे दिमाग में 4-4 रह गया और मैं डीपी टिककर आई। फिर पता लगा 5 मिनट और थे, तो मैंने देखा गलती से मैंने क्वेश्चन भी गलत कर दिया। तो थोड़ा सा रुक कर, मतलब होता है ना वो, पर उस टाइम एग्ज़ाम के इन द हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती हैं चीज़ें। तो ये है। और क्वेश्चन तो देखो जैसे आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से ही रिलेटेड थे। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और जैसे आजकल रिसेंट चल रहा है ना कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन इंडिया कब तक करेगा, या इंडिया जैसे अब ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आजकल एग्ज़ाम में। तो इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिया नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन 2070 तक करेगा, या चाइना 2019 तक 50% मतलब वर्ल्ड की ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता था, इंडिया जो है वो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 550 GW कर देगा 2050 तक। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आएगा ही आएगा। मतलब आप हर एग्ज़ाम में मान के चलिए कि ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स आजकल चले हैं, या ज़ीरो एमिशन वाला चला है, या जैसे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। जैसे आपको मालूम भी होगा कि रिसेंटली जो है हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन बेस्ड जो है सबसे पहली ट्रेन चली है जर्मनी में, एशिया में सबसे फर्स्ट, एंड वर्ल्ड में सेकेंड चली है चाइना में, एंड इंडिया भी करने वाला है जल्द ही। तो वो करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। जैसे आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्वेश्चन आया है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले वो रिसेंट चर्चा में था, तो वो आएगा ही आएगा एग्जाम में। ये है। उसके बाद शुगर केन का प्रोड्यूसर था, ठीक है, कॉपर का प्रोड्यूसर था, ये सारे हो गए, है ना। रेन के बारे में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सबसे हॉटेस्ट कौन सा है। और एक ये था कि 972 फीमेल है पर 1000 मेल अकॉर्डिंग टू सेंसस, जनसंख्या, जनसंख्या के बेसिस पर भी क्वेश्चन हमेशा आता ही है एग्ज़ाम में, और आप लोगों ने आई होप तैयारी की ही होगी। सो फर्स्ट पेपर हो चुका है हमारा डिस्कस। सेकेंड पेपर जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मुझे लगता है कि वही ज़्यादा अच्छे से होता होगा सभी का। इंग्लिश वॉज क्वाइट गुड, आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 18 to 19 के लिए मैं श्योर हूँ कि मेरी सही है। एज़ कम्पेयर टू बाकी एग्ज़ाम जो मैंने देखा है, हिमाचल के पेपर में इंग्लिश का जो लेवल है वो उतना टफ नहीं होता, इजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग के 30 के 30 क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग मैं कम्प्लीट सही करके आई हूँ, और उसके अलावा मैं मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन करके आई हूँ। एलिमेंट्री मैथ्स मैंने, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन थीटा कॉस टेंजेंट, वो तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ अभी, मतलब वो पढ़ना मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो उसके क्वेश्चन मैंने नहीं किए। उसके अलावा जो मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन एंड रीजनिंग के थे, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए। तो उसमें तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान 50 to 60 मार्क्स, जो सेकेंड पेपर था जो सिर्फ मतलब हमें क्वालिफाई ही करना है, वो 50 to 60 मार्क्स ईजिली मतलब ले सकते हैं बच्चे, वो डिफ़िकल्ट नहीं था। 50 to 60 मतलब लिए होंगे सभी ने, हाँ कुछ का स्कोर कम भी रह सकता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम 50-60 सब इजी से ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स के पोर्शन में होता क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा टाइम हमें वहाँ भी लग जाता है सोचने में, कैलकुलेशन में। जैसे मैंने भी देखा है, एक क्वेश्चन में कर रही थी, तो कई बार ना हम मल्टीप्लीकेशन में ही थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन था 416 और 412, तो उसको माइनस करना है तो कितना आएगा, तो मैं निकाल रही थी पहले 402, है ना, लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन, लेकिन बाद में आ नहीं रहा है, अब क्या बात हो गई, मतलब मैच नहीं कर रहा ऑप्शन। फिर दोबारा से सारी कैलकुलेशन देखी, तो गड़बड़ कहाँ की हुई है मैंने, कि 16 में से मतलब 12 जाएगा तो 4 रहेगा, तो 404 देन वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे करके कुछ निकलना था। So this is the review from my side. The level of the exam was from easy to moderate, पर हम moderate ही रखेंगे, क्योंकि जो statement वाले question थे वो काफ़ी deep GS वाले हैं, यानी कि 50 नंबर तक तो easily हर कोई ले सकता है, आगे के जो 20-30 नंबर का जो रह जाता है ना, वो जिसने काफ़ी अच्छे से study की होगी तो वो उसके लिए है। तो जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, ऑल द बेस्ट उनके लिए। मेरा तो मोटिव पूरा हो गया, मुझे सेकंड टेस्ट में अपना लेवल चेक करना था, तो माय रीजनिंग वाज गुड, या फिर शायद उन्होंने इजी पूछी होगी, और
दूसरा जो है मैथ्स में मुझे थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। एलिमेंट्री तो मैंने भी उठाया नहीं और मुझे आ भी नहीं रहा था, पर हाँ अपकमिंग कुछ एग्ज़ाम में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आ सकते हैं, सो मुझे उसे भी पुक करना है। आई होप यू लाइक द रिव्यू एंड थैंक यू एंड आई अपडेट एज आई एम एन एस्पिरेंट, क्योंकि मैं खुद भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करती हूँ तो बीच बीच में व्लॉग्स भी डालती रहती हूँ। सो ड्यूरिंग द जर्नी एस्पिरेंट को कैसे होना चाहिए, कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद मी, सो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर जिनका प्री बहुत अच्छे से हुआ है वो मेन्स की तैयारी में अभी से लग जाए। ओके, थैंक यू, बाय।